Radha's recipe. I'm Kathy Lai, who starters recipe, which is going to make crispy corn kebabs. जो हमारे जो हमारे किटी पार्टी हो या हमारे इधर कोई फंक्शन हो या कोई गेस्ट आने वाला हो बर्थडे पार्टी हो तो हम इसे इजीली बना सकते हैं. दैट इज द लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी. मैंने यहाँ पे पोटैटोज लिए हैं, 6 to 7 पोटैटोज हैं. मैंने इसे बॉईल करके मैश किया है. ब्रेड क्रम्स लिए मैंने 1 कप. कॉर्न लिया है मैंने 1/2 कप. 1/2 कप कैप्सिकम लिया है. कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सम कोरिएंडर लीव्स. अब मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी. ये जरा मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी. खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्रिस्पी रहता है. हम इसे एनी टाइम जब भी खाने के लिए गेस्ट आ जाए तो बना सकते हैं. मिक्स कर लिया है. अगर आपको इंग्रेडिएंट्स थोड़ा आपको थोड़ा वो ढीला लगे तो आप थोड़ा उसमें बेसन मेटर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं. इसमें पान में थोड़ा तेल लगाऊंगी. मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं. अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा. इसको किड्स इसे बहुत अच्छे से खाएंगे. आप देख सकते हैं अगर आप आइसक्रीम स्टिक नहीं यूज करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी आप ऐसे डाल सकते हैं. देखिए कितना अच्छा लग रहा है. इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स में लगाएंगे गैस पे. देखिए मेरे क्रिस्पी कॉर्न कबाब्स बनके रेडी है. देखिए कितना डेलिशियस लग रहा है. मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.